स्वागत है आप सभी का राजभर टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। जनता ने अपना जनादेश देकर दोबारा से बीजेपी को यूपी की कमान दे दी है। कृष्ण की नगरी मथुरा में भारतीय जनता पार्टी पांचों विधानसभाओं पर इतिहास रचने जा रही है। मांड विधानसभा सीट से 9 बार के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने अपनी हार स्वीकार कर ली। गोवर्धन विधानसभा से ठाकुर मेघ श्याम सिंह, बलदेव विधानसभा से पूरन प्रकाश, मथुरा वृंदावन विधानसभा से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और छाता विधानसभा से चौधरी लक्ष्मी नारायण, इन सभी की बड़े मार्जिन से जीत सुनिश्चित है। इसी कड़ी में पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह भरा हुआ जोश देखने को मिल रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भगवा लहराया है, जहां 382 विधानसभा सैयद रजा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुशील सिंह ने एक बार फिर से परचम लहराया और वहीं दूसरे स्थान पर सपा और तीसरे स्थान पर बसपा रही है। ये कांटे की टक्कर में बीजेपी प्रत्याशी सुशील सिंह ने सपा प्रत्याशी मनोज सिंह डब्लू को 11,065 वोटों से शिकस्त दी है। बता दें कि दूसरी बार सैयद रजा विधानसभा से प्रत्याशी सुशील सिंह विधायक बने हैं। जनता को, योगी जी और महाराज जी को और अपने प्रधानमंत्री जी को, जिनके कार्यों के दम पे जनता ने आशीर्वाद दिया है। आप अपने क्षेत्र में सबसे पहले कौन सा कार्य करेंगे जनता के लिए? संकल्प पत्र हमारे हैं, उसको आप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। वही जनपद चंदौली में मुगलसराय 380 विधानसभा सीट पर भी बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी रमेश जायसवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के चंद्रशेखर यादव को 13,780 वोटों से शिकस्त दी। कांटे की टक्कर में बीजेपी को जीत मिली है और इस जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वही अगली खबर अमेठी से है, जहां 186 अमेठी विधानसभा से सपा प्रत्याशी महाराजी देवी 17,727 मतों से जीत गई हैं। महाराजी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री को हराया है। जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी को 87,242 वोट मिले हैं और वहीं बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह को 69,515 वोट मिले। झांसी में लगातार तीसरी बार बीजेपी से विधायक बने पंडित रवि शर्मा ने कहा कि पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं का आकलन था कि प्रदेश में पार्टी 300 प्लस का आंकड़ा पार करेगी और वही उसी तरह का जनादेश आज प्रदेश में देखने को मिल रहा है। झांसी सदर सीट से लगातार तीसरी बार विधायक चुनने पर उन्होंने अपनी जीत का श्रेय झांसी की जनता को दिया और बताया कि तमाम योजनाएं जिनका शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में किया गया है, कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकाल में किया था, लोगों ने उसको देखते हुए ही मन बनाया कि सरकार बनने पर वो योजनाएं पूर्णता अंजाम तक पहुंचेगा और पार्टी के सुशासन को देखते हुए झांसी नगरवासियों ने पार्टी को जीत के लिए वोटिंग की। हम लोग तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि 300 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। उसके पीछे बड़ी ठोस वजह थी कि 5 साल में जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उस काम के आधार पर हम लोग 300 प्लस सीटें मान रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता थे, जिन्होंने 12 से 17 में जो जनता का शोषण किया, जनता के प्लाटों पर कब्जे कराए, जनता प्रदेश में अराजकता का माहौल रहा, दंगे हुए, तो जनता ने 12 से 17 को भी देखा था। और 17 से 22 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जहां एक और माफियाओं पर अंकुश लगा, लोगों की संपत्ति सुरक्षित हुई, व्यापारी आनंद में आया, गरीब जो सुदूर आखिरी पायदान पर खड़ा था। वही कन्नौज में हार के बाद सपा प्रत्याशी अरविंद सिंह यादव धरने पर बैठे हैं। अरविंद ने जिला प्रशासन के अफसरों पर जबरन हराने के आरोप लगाए। सपा प्रत्याशी बोले कि छिबरामू विधानसभा की मतगणना को दोबारा कराया जाए। बता दें कि अरविंद 27,000 से ज्यादा वोटों से जीत का दावा कर रहे हैं। वही गड़बड़ी के आरोप लगाकर दोबारा वोटिंग की मांग की जा रही है और साथ ही इसी को लेकर आरोप को पत्र भी सौंपा। मतगणना पांडाल के बाहर ही धरने पर प्रत्याशी बैठे हुए हैं। 37 राउंड के बाद में मतगणना को रोक कर मेरे साथ हेराफेरी की गई। मेरा जो है रिकॉर्ड उसमें 2700 वोट से जीत रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। जबरदस्ती मुझे चुनाव हराया गया, जबरदस्ती चुनाव हराया गया। हमने आर ओ साहब को भी मांग दिया है लिख के और जिलाधिकारी साहब को भी दिया है, हमारी दोबारा मतगणना कराई जाए। हम इस मतगणना से संतुष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में यहाँ के अधिकारी काम कर रहे हैं।
जिता जिताया चुनाव मेरा हराया जा रहा है। डीएम से बात हुई आपकी? जिलाधिकारी को मैंने लिख के दे दिया प्रार्थना पत्र। समाजवादी का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में दो सीटों पर कमल खिला है। भोगांव विधानसभा से राम नरेश अग्निहोत्री ने 3873 मतों से जीत हासिल कर समाजवादी पार्टी पूर्व मंत्री आलोक शाकी को पराजित कर दिया। तो वही मैनपुरी सदर सीट पर पूर्व मंत्री जयवीर सिंह चौहान ने 13,000 मतों से जीत हासिल कर सपा के राजकुमार उर्फ राजू यादव को पराजित किया। बीजेपी प्रत्याशी राम नरेश अग्निहोत्री मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों में बसती है, विकास की राह पर कार्य करती है, सबका साथ सबका विकास करने का काम करती है और अब 450 लाख युवाओं को बेरोजगार होने के बाद उन्हें रोजगार दिया जाएगा और आगे रोजगार बढ़ाने के लिए तेजी से कदम उठाए जाएंगे और सभी को राशन मिलेगा, विकास की लहर और तेज चलेगी और किसानों को पूर्ण लाभ दिया जाएगा और शिक्षा की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। जनता के लिए विकास की योजनाएं पहले से चल रही है, उनको तेज करेंगे, नई योजनाएं भी लाएंगे, घर घर पानी, हर घर तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का काम हमारी प्राथमिकता है जी। हर गांव तक सड़क पहुंच गई है, हर गांव तक बिजली पहुंच गई है, हर गांव के स्कूल अच्छे हो गए, बच्चों की पढ़ाई हो, लोगों को राशन मिल ही रहा है जी, सारी सुविधाएं देने का काम। वही नोएडा 61 विधानसभा से भारी मतों से बीजेपी से पंकज सिंह विजय हुए हैं। विधायक पंकज सिंह की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सांसद प्रतिनिधि संजय वाली और उनके अधीनस्थ कार्यकर्ताओं ने जीत पत्र प्राप्त किया है। ये बड़ी खबर थी जहां पे अब नोएडा 61 विधानसभा से पंकज सिंह विजय घोषित हुए। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपट टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, डेली हंट, रॉक टीवी, एमएक्स प्लेयर, आई2आई, ईबाबा, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, आईपीटीवी गैलेक्सी, फास्टवे, आईपीटीवी और रॉक क्यू टीवी पर।